हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो हम अपने एमए सोशियोलॉजी हिंदी मीडियम में आपका एमपीए 16 सब्जेक्ट कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग एमपीए 16 को आपकी प्रॉपर बुक से इग्नू का जो आपका मेन मटेरियल है वहां से कवर कर रहे हैं। आप लोग चाहे जनवरी में एग्जाम देने वाले हैं, चाहे अपकमिंग कभी भी आप लोग एग्जाम देंगे एमए सोशियोलॉजी के लिए, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। प्लस आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी को एज अ ऑप्शनल ऑप्ट किया है अपने यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के प्रिपरेशन के लिए, तो भी ये सब्जेक्ट आपकी हेल्प करने वाले हैं। और जो आपका एमपीए 16 है, ये थोड़ा बहुत क्या है, ये मेजरली आपका पॉलिटी से रिलेट करता है। ये सब्जेक्ट आपका एमए सोशियोलॉजी और एमए पॉलिटिकल साइंस में कॉमन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट होंगे जो इसको सोशियोलॉजी के लिए भी देख रहे होंगे, स्टूडेंट होंगे जो उसको एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए भी देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग ये वीडियो सोशियोलॉजी के लिए देख रहे हैं या फिर एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली थी विकेंद्रीकरण, एमपीए 16 जो है दिस इज विकेंद्रीकरण इन स्थानीय शासन। विकेंद्रीकरण क्या होता है हमने बात कर ली थी, लोकतंत्र के फॉर्म में इस चीज की हमने बात कर ली थी, इसकी संकल्पना को देख लिया था। आज हम बात करेंगे 1.3 जो इसका यूनिट 1 का चैप्टर फर्स्ट है, उसमें 1.3 की इसका विकास किस तरीके से हुआ। विकास इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब ये चीज कैसे ग्रोथ में आई, कैसे प्रचलित हुई, कैसे इतना ज्यादा इसका जो यूज है वो हमें देखने को मिल रहा है। मैंने एक एग्जांपल आपको कंपनी के फॉर्मेट का भी लेके बताया था। विकेंद्रीकरण सिर्फ लोकतंत्र से रिलेट करता है ऐसा जरूरी नहीं है, लोकतंत्र का एक पैरामीटर होता है। लोकतंत्र अगर आप कह रहे हो कि आपके यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रशासन है, तो उसका एक पैरामीटर है कि आपके यहाँ पे विकेंद्रीकरण होना जरूरी है, कि आपके यहाँ पे पावर का क्या हो रखा है, डिवीजन हो रखा है। तो यहाँ पे जो 1.3 है वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विकास किस तरीके से हुआ। वीडियो को देखने से पहले आप एक काम कर सकते हैं, आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, कुछ पॉइंट आप लिख लेंगे साथ में। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप अपने पास पीडीएफ ओपन कीजिए, बुक है तो बुक ओपन करके आप लोग बैठ सकते हैं। द रीजन बीइंग व्हाई आई एम टीचिंग विद दिस पीडीएफ, आप लोग बोलेंगे कि आप नॉर्मली भी समझा सकते हो, ये पढ़ के तो कोई भी बता सकता है, तो मैं सिर्फ पढ़ के नहीं बता रही हूँ, मैं कुछ एग्जाम्पल भी यूज करती हूँ बीच में, नॉर्मल भाषा में हम समझने की भी कोशिश करते हैं। सो दिस इज द थिंग जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इन बच्चों के पास टाइम नहीं है, जो वर्किंग है या जो फीमेल है जो प्रॉपर फैमिली संभाल रही है, उनके पास टाइम नहीं हो पाता है कि वो पूरी बुक पीडीएफ ले, और प्लस इसको देखने के बाद भी चीजें समझ नहीं आ पाती है। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है कि सिर्फ ये काम नहीं हो रहा है कि जस्ट रीड करके बोल बोल के आपको नैरेट किया जा रहा है, सिर्फ इतना ही इन वीडियोस में नहीं है। तो वॉच द वीडियो, पहले पूरी वीडियो देखेंगे, देन आप लोग किसी भी तरीके का कमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विकास। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विकास की हम लोग बात करें तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अब आप लोगों को आई थिंक टाइम पीरियड तो सबको पता होगा, आप लोगों ने सबने स्कूल लेवल पे पढ़ाई की है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, तो मुझे कमेंट करके बताएंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइमिंग क्या था, टाइम पीरियड क्या था। इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट इंगेज हैं और कितने स्टूडेंट वीडियोस को देख के पढ़ रहे हैं। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नए निर्मित राष्ट्र जो थे, जो नए नए राष्ट्र बन रहे थे, उनके विकास के लिए उत्थान केंद्रित मॉडल अपनाया। ये मॉडल क्या था, इस मॉडल में राज्य ने सामाजिक विकास के लिए नैतिक और राजनीतिक दायित्वों का आश्वासन प्रदान किया। क्या बोला गवर्नमेंट, राज्य मींस गवर्नमेंट ने क्या बोला यहाँ पे कि भाई आपके जो मोरालिटी वाला बेस है, नैतिकता है और राजनीतिक दायित्व है, उनको प्रॉपर फुलफिल करके चला जाएगा। धीरे धीरे ये प्रमाणित हो गया कि विकास के लिए उत्थान केंद्रीय स्वरूप केवल आर्थिक प्रगति और देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। कि ये जो तरीका आप अपना रहे हो ना, इससे सिर्फ क्या बात हो रही है, इससे सिर्फ इकोनॉमी की बात हो रही है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हो, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन सकल घरेलू उत्पाद, सिर्फ आप जीडीपी बढ़ाने की बात कर रहे हो यहाँ पे केवल। लेकिन इन्हें सामाजिक और पर्यावरण कीमतों के बदले ही प्राप्त कर सकता है। ध्यान से समझो इस लाइन को, ठीक है। क्या होता है, जब आपको आर्थिक विकास करना है तो आप क्या करोगे, आप इंडस्ट्री सेटअप करोगे, जब इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो इंडस्ट्री से पोल्यूशन भी होगा, एक एरिया के पेड़ भी काटोगे जहां पे आप अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हो, तो आपकी वजह से एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, नॉइस पोल्यूशन हो सकता है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो आप जो भी आर्थिक विकास कर रहे हो, दैट इज हैपनिंग, वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको उसके लिए या तो कोई पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ी है, पोल्यूशन हमने उधार में ले लिया। आज हम क्या कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट, अच्छे लाइफस्टाइल, बेटर चीजों की तरफ जा रहे हैं, रोटी मेकर लेके आ रहे हैं, सब कुछ रेडीमेड पैक फूड ला रहे हैं और खा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना, नेचुरैलिटी नहीं बची है ना चीजों में, तो वो चीज यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो उसकी कीमत चुकानी पड़ी जो पड़ रही थी, वो पर्यावरण और सामाजिक रूप से आपको आर्थिक विकास की कीमत चुकानी पड़ रही थी, इसका ये मतलब है इस लाइन का। अब इसमें क्या था, विकास का यह स्वरूप समाज के बड़े वर्गों को छोड़ देता है।
विकास क्या होता है, सिंपल सा कंसेप्ट होता है, अमीर और अमीर हो रहे थे, गरीब और गरीब हो रहे थे। जिनके पास पैसा है वही तो लगा के आगे डेवलपमेंट कर पा रहे थे, जिनके पास नहीं है वो बेचारे तो कुछ यूज ही नहीं कर पा रहे थे। तो एक समाज का बहुत बड़ा सेक्शन जो था, जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास में आ रहा था, वो इस विकास में पीछे ही रह रहा था। मतलब बहुत ज्यादा आगे मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे थे वो लोग। व्यापक विसंगति उत्पन्न हो जाती है तथा वंचित वर्गों और अधिक वंचित वर्गों को वो अधिक अभावग्रस्त बना देता है, कि उनके पास अभाव मतलब कमी रह जाती है, जो वंचित है, जो लोगों तक विकास नहीं पहुंच पाया उन लोगों तक। संवेदनशील वर्गों के लिए चलाए गए विशिष्ट कार्यक्रम इसलिए असफल हो गए। अब क्या होता है, गवर्नमेंट का काम होता है वेलफेयर, गवर्नमेंट का काम होता है इक्वालिटी, तो गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे प्लान प्रोग्राम्स लेके आती है। देखो एक बेसिक चीज है कि आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, प्लस फ्री में राशन डिस्ट्रीब्यूट करना, बहुत सारे, मतलब अगर आप लोग किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने तो कितने प्लान्स पॉलिसी पढ़े होंगे गवर्नमेंट के, राइट? तो गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान्स पॉलिसी एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, फूड सप्लाई को लेके लेके आती है, जिससे कि क्या हो, ये जो वंचित वर्ग है ये भी ऊपर तबके में आ सके। लेकिन क्या है, फिर भी ये लोगों तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि इनमें लोगों को केवल विकास के लाभ भोगी और पात्र समझा गया, कि ये बस विकास के एक क्या है, जो बेनिफिट लेंगे, बेनिफिशियरीज हैं ये सिर्फ। विकास के इस प्रमुख स्वरूप से उत्पन्न विश्वव्यापी असंतोष, ऑल ओवर असंतोष, मतलब पीपल आर नॉट हैप्पी विद दिस। कुछ लोगों तक बेनिफिट पहुंच रहे, कुछ तक नहीं, तो ऑब्वियस बात है मैं इस बात से हैप्पी नहीं रहूंगी। और मोह भंग से इसकी गहन आलोचना हुई। अब लोग इसको आलोचना, मतलब लोग अपोज भी करेंगे इस चीज को। विकासशील देशों में विकसित विकासशील, विकासशील मतलब जो डेवलपिंग है, जो भी डेवलपमेंट की फेज में है, जहां चीजें धीरे धीरे सुधर रही है, जैसे कि इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया अभी राइट नाउ डेवलपिंग कंट्री में आता है। विकासशील देशों में विकास संबंधी योजना और प्रशासन पर केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रण की मात्रा का इस्तेमाल करने के बारे में व्यापक बहस छिड़ी हुई है। कितना सेंट्रल कंट्रोल होना चाहिए, आज की डेट में आप देख रहे हो, हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन बढ़ाती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है, मीन्स गवर्नमेंट अपना कंट्रोल छोड़ के प्राइवेट हैंड में कंट्रोल ज्यादा देती जा रही है। तो ये हमेशा से एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है कि कितना सेंट्रल का, कितना गवर्नमेंट का कंट्रोल रहना चाहिए और कितना नहीं रहना चाहिए। मतलब यही बोल रहे हैं कि बहस छिड़ी हुई है लंबे समय से। भारत में पिछले 50 वर्षों में सुनियोजित विकास, प्लान्ड डेवलपमेंट, सुनियोजित मतलब कोई भी काम करो प्लान करके करो, के पिछले अनुभव और कल्याणकारी उद्देश्यों को प्राप्त करने, गरीबी उन्मूलन व सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए अब ये बताया जा रहा है, पॉवर्टी कम करो, समाज में जो सोशल इनइक्वालिटी ये है उसको दूर करो, सोशल जस्टिस लोगों तक पहुंचे, सामाजिक न्याय प्लस आर्थिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल हर तरीके से इक्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए, ये बात की गई है यहाँ पे। अत्यधिक केंद्रित योजनाओं के परिणामों से यह मोहभंग था, मतलब जब जो ऐसी प्रोग्राम है ना जो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज है, वहां पे इस चीज में प्रॉब्लम आ रही थी। इससे आर्थिक असमानता, क्षेत्रीय विषमता और निर्धनता में वृद्धि हुई, पॉवर्टी भी बढ़ी, डिफरेंसेस भी देखने को मिले रीजनल, कोई रीजन कोई एरिया तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, कोई स्टेट और कोई स्टेट डेवलप हो ही नहीं पाया, तो ये बहुत प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी। इसलिए विकास सिद्धांत के मौलिक आधार पर 1970 में दशक के प्रश्न चिन्ह लगने लगे, मतलब अब क्वेश्चनिंग रेज होगी। एक लंबे समय तक प्रॉब्लम चलती आ रही, डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है। आपने देखा था ना 1991, अगर आप लोगों को याद हो 1991 में आर्थिक रूप से बहुत मेजर चेंज आए थे, दैट इज एलपीजी, आर्थिक सुधार किए गए थे इकोनॉमी में, इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिससे इकोनॉमी को थोड़ा सा लिबरल करा गया, रिफॉर्म्स इसी किए गए, पैसा लगाना बाहर से आसान हो गया, यहां से बाहर चीजें भेजना आसान हो गया, ठीक है, क्यों, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सके, क्योंकि उस टाइम पे इकोनॉमी की बैंड बजी हुई थी, बुरी हालत, बहुत बुरी हालत थी, ठीक है, अभी उसके बारे में यहां डिस्कशन नहीं किया गया। खैर, नीति विश्लेषकों में यह भाव बढ़ने लगा कि जैसे जैसे सरकारी गतिविधियों में वृद्धि होती है, वैसे वैसे केंद्र से सभी विकास गतिविधियों की प्रभावशाली और सक्षम योजना बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना कठिन हो जाता है। मतलब वो प्रॉपर फंक्शनिंग में लाना, कार्यान्वित करना मतलब ऑपरेशनलाइज करना, थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अधिक स्थानीय क्षेत्र के मुख्य सरोकार के बारे में निर्णय करने में स्थानीय स्वायत्तता, अगर आपको मेरे एरिया मतलब इस स्टेट या इस गांव की डेवलपमेंट करनी है तो आपको यहाँ के लोगों का इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन करवाना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये पीपल बेटर बता पाएंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, आप यहां से सजेशन ले सकते हो। तो वो स्थानीय स्वायत्तता, इनकी पार्टिसिपेशन क्या हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो उसके लिए इन्हें पावर देनी पड़ेगी, इन्हें उत्तरदायित्व देना पड़ेगा किसी को, सो दैट इस एरिया की डेवलपमेंट देखी जा सके, ठीक है। तो इनको क्या करना, कार्यक्रमों को बनाना जो लोकल लोग बनाए, उनको उत्तरदायित्व देना, ये इंपॉर्टेंट हो गया था। और इससे विकेंद्रीय, जब आप किसी को पावर दे रहे हो, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो, इसी को तो विकेंद्रीकरण बोलते हैं ना, तो इससे विकेंद्रीकरण के सिद्धांत की धारणा में रुचि पुनर्जीवित हुई, नॉट जीवित,
ठीक है, इट्स दोबारा से मतलब क्या हुआ कि विकेंद्रीकरण का कंसेप्ट हमें दोबारा देखने को मिलने लगा, क्योंकि ये जो आप कर रहे थे कि आप लोगों को पावर दोगे, दिस इज व्हाट, दिस इज विकेंद्रीकरण। पिछले दो दशकों से विकास के मुख्य स्वरूप की आलोचना के फलस्वरूप भागीदारी विकास एक वैकल्पिक उदाहरण। भागीदारी इज पार्टिसिपेटिव, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप क्या, आप लोगों को इन्वॉल्व करा के, भागीदारी इज लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी है। विकास का अर्थ वर्तमान स्थिति में अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठ स्थिति की ऐसी परिवर्तन प्रक्रिया है जिसमें नागरिकों, हम इंडिविजुअल और संस्थाओं, जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके सुविचारित मतलब उनके हस्तक्षेप हो, मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट हो, इंटरफेयर, एक्चुअल वर्ड होता है इंटरफेयर हो, ठीक है। अब क्या बोला गया, विकास का नया परिपेक्ष इस बात पर बल देता है कि आर्थिक विकास के साथ लोगों को, परिवारों और समुदाय के जीवन स्तर की गुणवत्ता का भी विकास सुनिश्चित होना चाहिए। ये नहीं अर्निंग बढ़ रही है, पैसा कमाने से क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन, सारी चीजों में क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट आना चाहिए। इसे निर्णय निर्माण में लगे लोगों की अधिक भागीदारी, जो लोग प्लान बना रहे हैं उनका प्लान प्रॉपर होना चाहिए, प्लान प्रॉपर नहीं है तो एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होगा, तो उनकी भागीदारी, उत्पादक रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करना, लोगों को काम मिलेगा, लोगों के पास पैसा जाएगा, तभी लोग खर्च कर पाएंगे, स्पेंडिंग बढ़ा पाएंगे, और तभी लोगों की रहन सहन की जो एक बोल सकते हैं तरीका है वो थोड़ा सा अपग्रेड होगा। ये चीज हमें इस पे फोकस करना चाहिए। तो बेसिकली आपको हेल्थ, शिक्षा, स्वच्छता, इन सब बेसिक बुनियादी जो ढांचा है इसको स्ट्रांग करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप इट इज विजिबल, तो हम कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहां पे, नेक्स्ट बोला गया है हमारे पास, आई होप प्रॉपरली विजिबल होगा, सो आई एम कंटिन्यूइंग दिस वीडियो, इस वीडियो को मैं कंटिन्यूएशन में रखती हूँ, बिकॉज फिर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एंड देन फिर शाम को रिकॉर्ड कर पाऊंगी तो वीडियो ही पता नहीं कब अपलोड हो पाएगी, सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू दिस। इफ कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहे हैं कि अगर हम इस तरीके से काम करेंगे, वंचित वर्गों को स्पेशल फैसिलिटीज देंगे, ये सब चीजें देंगे, उन्हें प्रॉपर शामिल कराएंगे, तो समाज के वंचित वर्गों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान करते हुए विकास प्रक्रिया में उन्हें व्यवस्थित रूप से शामिल करने की जरूरत है, कि हम उन्हें क्या करा के चलेंगे, इंक्लूड करा के चलेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप करा के चलो, इससे असमानता में कमी आ सकती है, जो इनइक्वालिटी है उसमें कमी आ सकती है, और अमीर और निर्धन वर्गों के बीच का जो गैप है वो कम हो सकता है, बिकॉज जो लोअर क्लास गरीब लोग हैं उनको भी अवसर मिलेगा कि वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। भागीदारी विकास नीतियों द्वारा भी ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि और अधिक लोगों को अपने संसाधन तक पहुंच हो, मतलब एक्सेस हो, लोगों को मिल ही नहीं पाती, शिक्षा नहीं मिल पा रही, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही, तो वो कैसे अच्छा कर पाएंगे। अब मैं पढ़ाई लिखाई सब कुछ करा हुआ है बट मेरे पास जॉब नहीं है, तो व्हाट विल आई डू, जॉब ही नहीं है, अर्न ही नहीं कर पा रही हूं, तो कैसे मैं मैनेज कर पाऊंगी, कैसे मैं अपने आप को अपग्रेड कर पाऊंगी, ठीक है। वैकल्पिक भागीदारी विकास स्वरूप बुनियादी स्तर पर लोगों का दबाव उत्पन्न करने की आवश्यकता बताता है, ताकि ये योजनाएं, मतलब जो योजना में उनकी सक्रिय रूप से भागीदारी हो। अब देखते हो लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको पार्टिसिपेट कराना चाहिए, और तो पार्टिसिपेशन के लिए आप अवेयरनेस क्रिएट करना है, उन्हें एजुकेट कराना है, इतना तो बेसिक हमें उन तक पहुंचानी ही पड़ेगी, उन्हें इतना सामर्थ्य बनाना पड़ेगा कि वो इन चीजों में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए। तो यहाँ पे जन केंद्रित विकास स्वरूप विकास प्रक्रिया में लोगों को सक्रिय बनाता है, जन मतलब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उससे वो और ज्यादा क्या होंगे, सक्रिय होंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट, फिर अब यह अनुभव किया जाता है कि जिलों से राज्यों और राज्यों से संघ को कार्यों के नीचे से ऊपर की ओर हस्तांतरण ने ना तो केंद्र को मजबूत बनाने और ना ही प्रभावशाली योजना बनाने में कोई योगदान किया है। क्या अनुभव किया जाता है, राज्यों और राज्यों से संघ को कार्य नीचे से ऊपर की ओर हस्तांतरण करने से, मतलब आप जो ट्रांसफर ऑफ वर्क कर रहे हो उससे क्या चीजें हो रही है, वो यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये एड्रेस करेगा। वास्तव में इससे दोनों स्तरों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, अपोजिट इम्पैक्ट पड़ा है। क्या केंद्र तथा राज्यों भी सरकारी तंत्र काफी शिथिल हो गया है, योजनाएं वास्तविकता से इतनी दूर हो गई, मतलब बातें इतनी बड़ी बड़ी डींगे हो जाती हैं कागजी रूप में, ये कि इतना हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी, इतनी डेवलपमेंट, हर कोई पढ़ा लिखा, हर कोई लिटरेट होगा, बहुत कुछ बातें हो जाती है, लेकिन फील्ड में जाके देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, तो बहुत बुरी बैंड बजी पड़ी है, ठीक है। स्कूल्स की हालत भी चलो अभी सुधर गई है, बट आप देखोगे ना, एक फोर्थ फिफ्थ क्लास का बच्चा भी आपको प्रॉपर कलर्स नेम फ्रूट्स नेम माइसेल्फ नहीं बता पाता था गवर्नमेंट स्कूल की। आज की डेट में मैं बात नहीं कर रही हूं, मैं थोड़े टाइम पहले की बात कर रही हूं, तो इतना बेकार एक लेवल था, जहां पे भी थोड़ा सा एक्टिवली पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन था वहां पे तो बच्चा फिर भी कर रहा है, लेकिन अगर 90 में से सिर्फ 20 बच्चे अप टू द मार्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो 70 बच्चे बहुत पिछड़े हुए हैं, तो वो बहुत ज्यादा क्या है, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक बात है हमारे लिए। तो ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि वास्तविकता से बहुत परे हो गई है अब चीजें,
केंद्र तथा योजनाएं वास्तविकता से इतनी दूर हो गई हैं कि उनकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ गई है। भैया विश्वास नहीं होता, कहते हैं ना कि लोग बोल रहे हैं हवा में तीर चला रहे हैं, लंबी लंबी बस बातें कर रहे हैं। इन हालातों में राजनीति दल और विद्वान इस नीचे से ऊपर वाली प्रवृत्ति को उलटने की सोचने लगे, जिसका स्पष्ट अभिप्राय केंद्र से राज्यों और राज्यों से उपराज्य स्तरों पर कार्यों का विकेंद्रीकरण है। हम नहीं बोलेंगे कि इस लेवल पे काम नहीं दिया जाएगा, काम इसने यहां दिया, इसने यहां दिया, एंड देन नीचे तक डेलीगेट होके आपका काम जाएगा। ये तरीका जिसको हम विकेंद्रीकरण ही बोलते हैं, राइट। और यही चीज क्या होने लगी, जिसका अभिप्राय केंद्र से राज्यों और उपराज्यों की ओर कार्यों का विकेंद्रीकरण करना है। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र का प्रभाव लोक राजनीति की तरफ की प्रक्रिया की बात करता है। लोग अपने कार्य स्वयं करने देने की मांग करने लगे कि भाई हम सेल्फ खुद से चीजें करेंगे, आत्मनिर्भर, ठीक है ना, सेल्फ खुद से हम सारी चीजें करेंगे। इस प्रकार जर्जर होते केंद्रीकृत शासन की घिसटती शीणता ने राजनीतिक दलों को अपना ध्यान विकेंद्रीयकरण शासन की तरफ देने के लिए प्रेरित किया कि भैया डेलीगेट करना, काम को विकेंद्रीकृत करना जरूरी है, वरना तो ना तो केंद्र प्रॉपर परफॉर्म कर पा रहा है तो प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया, विकेंद्रीकरण शासन की मुख्य आवश्यकताएं प्रशासन के लोगों को द्वार पर लाना तथा सेवाग्रही और प्रशासन के मध्य, मतलब आप देखो क्या करोगे, जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको लाओ और लोगों को लाओ और एक कनेक्शन स्टैब्लिश कराओ, सो दैट यहाँ की प्रॉब्लम उन तक पहुंच सके और वो अपने डिसीजन यहां तक ला सके। तो ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसमें लोकल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, गवर्नमेंट से तो बार बार सेंट्रल लेवल से तो कोई आएगा नहीं ना, तो लोकल गवर्नमेंट, निजी क्षेत्र और नागरिक जो आपके क्या है सामाजिक संगठन है, सिटीजन्स ने जो ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, वो ये काम करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत ने शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया है। भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं का जो औपनिवेशिक, मतलब स्टार्टिंग में जब औपनिवेशिक काल था ना, जब ब्रिटिशर रूल कर रहे थे, तभी लोकतांत्रिक चीजें यहाँ पे इवॉल्व हो गई थी। हम फ्रीडम की मांग कर रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहे हैं, ग्रुप बन रहे हैं, पार्टी बन रही है, INC वगैरह बनी। तो लोकतांत्रिक प्रावधान का उल्लेख भारत सरकार अधिनियम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1990 और 1935 में किया जा चुका है। अभी मैं एक्ट यहाँ पे नहीं बता रही हूँ डिटेल में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात की गई थी लोकतंत्र को लेके। संविधान सभा में विचार विमर्श के बाद 1950 संविधान सभा बनी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया। 1950 में स्वतंत्रता के उपरांत भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई। हमने क्या सोचा कि हम लोकतांत्रिक सरकार बना के चलेंगे। भारत में महात्मा गांधी, नेहरू जी, जेपी जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र को उस सरकार के रूप में वर्णित किया है, मतलब लोकतंत्र मतलब ऐसी सरकार जो लोगों को अधिकार प्रदान करती है। डिस्कस करा था लास्ट क्लास में, लोगों का, लोगों के लिए एंड लोगों के द्वारा। यह प्रत्येक गांव के नीचे के लोगों द्वारा बनाया जाता है, जो लोअर लेवल है। लोकतंत्र ऊपर के स्तर पर तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक निचले स्तर को सफल नहीं बनाओगे, जब तक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी नहीं पहुंचेगी, ओवरऑल कंट्री में डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल सकता। तो निचले स्तर को मजबूत बनाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के मामले में संसार के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करती है कि लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे किस तरीके से वर्क कर रही है। विकेंद्रीकरण के प्रथम बिंदु पर मुख्य तीन विचारधाराएं हैं। पहली, बलवंत राय मेहता रिपोर्ट लोगों के निकटतम होने के कारण खंड स्तर का समर्थन करती है। बलवंत राय मेहता कमेटी, प्रॉपर डिटेल में भी अलग से वीडियो बना के कभी पढ़ लेंगे इसके बारे में। इसने क्या बोला कि आपका क्या होता है, खंड स्तर का समर्थन करती है कि पार्ट में डिवीजन की बात हुई यहाँ पे। फिर योजना के विकेंद्रीकरण पर चक्रवर्ती रिपोर्ट उपयुक्त क्षेत्र योजना के लिए जिले को भी अत्यधिक छोटा समझती है कि जिला बहुत छोटी यूनिट हो जाती है। फिर भी पंचायती राज पर अशोक मेहता रिपोर्ट, ठीक है, अशोक मेहता रिपोर्ट जो कि 1978 में आई, वो स्पष्ट रूप से जिले का समर्थन करती है क्योंकि यह सदियों से स्थानीय प्रशासन की धुरी रही है। धुरी मतलब आपका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन रहा है। इस स्तर पर योजना और संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक विशेषज्ञ जो है वो जुटाई जा सकती है, लोग इकट्ठे किए जा सकते हैं, रिसोर्सेज इकट्ठे किए जा सकते हैं यहाँ पे, जो कि निचले स्तर पर संभव नहीं है। बिल्कुल लोअर लेवल पे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दंतवाला रिपोर्ट ने खंड स्तरीय योजना पर, हनुमंत राव रिपोर्ट ने सारांशतः जिला योजना की विचारधारा। अब अलग अलग रिपोर्ट ने किसके का जो है वो क्या करा है, समर्थन करा है, सपोर्ट करा है। अब इफ यू विल वांट तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं ये सारी जितनी रिपोर्ट की बात हुई है इन पे सेपरेट सेपरेट छोटी छोटी अलग अलग वीडियो बना दूंगी। ऑल दो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट अलग से इनके बारे में दो दो तीन तीन चार चार मिनट की कम से कम वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस करके बहुत लंबा नहीं रख रही हूँ इस क्लास को। यहाँ पे बस ये बताया कि अलग अलग कमिटी और रिपोर्ट ने किस किस मेथड्स, किस किस मोड्स को क्या करा था, सपोर्ट करा था। आगे वो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकेंद्रीकरण का समर्थन करने वाली बलवंत राय जो मेहता आपकी रिपोर्ट थी, इसकी मूल अपेक्षा निर्णय
केंद्रों को लोगों के निकट लाने का प्रयास था, जो सेंटर है लोगों तक पहुंच जाए ताकि वे स्थानीय लोकप्रिय नियंत्रण के अंतर्गत सक्रिय एवं निरंतर भागीदारी करने में सक्षम रहे, ताकि लोगों को भी लगे अब मैंने किसी इंसान को देखा नहीं, मुझे काम करने का तरीका नहीं पता, मैं कंप्लेन कैसे लेके जा पाऊंगी, अब उस इंसान ने कभी ये जगह विजिट नहीं की है तो प्रॉब्लम नहीं पता चल पाती। तो ये भागीदारी इंश्योर करने का और एक एक्टिव पार्टिसिपेशन का एक जरिया था। अशोक मेहता समिति की मुख्य विचारधारा प्रशासन को विकेंद्रीकृत कर वर्क को डेलीगेट करके लोगों के निकट लाने की क्या थी क्रियात्मक आवश्यकता वाली थी। बलवंत राय मेहता जो समिति रिपोर्ट थी और अशोक मेहता समिति रिपोर्ट थी, दोनों ने भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में क्या करा है, इनको आप मान सकते हो। फिर आपका 73rd और 74th संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं थी 1950 में जब बना, बाद में नीड फील की गई, प्रॉब्लम्स देखी गई, एड्रेस किया गया, डिस्कशन हुई, कमिटीज बनाई गई, अलग अलग रिपोर्ट निकाली गई, आप इतने सारे नाम आपने अभी पढ़े। उसके बाद जाके 73 और 74 संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, तब जाके ये क्या हुआ, ये आपका प्रॉपर संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण को क्या बनाया गया, एक लोकतांत्रिक बेस बनाया गया। इसमें सबको इंक्लूड किया गया। देखो अब लोकल गवर्नमेंट जो बात करती है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी होती है, उसमें भी हमने हर वर्ग का ध्यान रखा, चाहे वो महिलाएं हो, पिछड़े वर्ग हो, दलित हो, सबको शामिल करके एक क्या था, पार्टिसिपेटिव भागीदारी वाली डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने की बात यहाँ पे की गई थी। इससे पूर्व स्थानीय शासन की संस्थाओं पर समाज के केवल प्रभावशील समूहों का आधिपत्य था कि सिर्फ पावरफुल लोग जो है, जो इन्फ्लुएंसिव पीपल है, रिच पीपल है, वही लोग क्या करेंगे, वही लोग कंट्रोल करेंगे, लेकिन यहां से चीजें बदल गई थी। तो लोकतंत्र की इस विचारधारा को स्थायी लोकतंत्र के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। ये चीज हमने देखी। तो ये हमने देखा किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। इफ यू गाइस वांट, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं सारी जो रिपोर्ट है इनकी डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगी। बलवंत राय मेहता की बात की, अशोक की रिपोर्ट की बात की हमने, तो ये सारी रिपोर्ट की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी कि जो ये विकेंद्रीकरण है इसका महत्व क्या है, महत्व इन द सेंस की इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर समझ में आ रहा है, चीजें ठीक लग रही हैं, तो वीडियो में के लास्ट में आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस तरीके को कंटिन्यू रखा जाए और इसी तरीके से आपको ये टॉपिक और आगे कराए जाए, ठीक है। क्योंकि आप लोग के कमेंट पे ही डिपेंड करता है कि ये सारे लेक्चर, सारे सीरीज, सारे सब्जेक्ट की वीडियोज रहेगी नहीं रहेगी, इसको बनाया जाएगा, इसको कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं। सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर सपोर्ट और योर कमेंट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।